टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन्ड हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम जब अपनी कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो विंडोज़ ओल्ड नामक एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उस windows.old फोल्डर को कैसे सक्सेसफुली रिमूव करना है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं विंडोज़ ओल्ड फोल्डर प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने विंडोज़ 10 से डायरेक्टली अपडेट किया था विंडोज़ 11 में। मैंने फाइल एंड सेटिंग को एज यूजुअल रखा था, जिसे मुझे दोबारा मेरे यूजफुल जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल ना करना पड़े। विंडोज़ 11 लोड होने के बाद विंडोज़ 10 का भी बैकअप अवेलेबल होता है। अगर आप चाहें तो कुछ दिनों के अंदर इसको दोबारा डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी विंडोज़ 11 ठीक तरह से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बैकअप को, जिसको हम बोलते हैं windows.old को, रिमूव करके अपना सी ड्राइव का जो मेमोरी है उसको इनक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 GB के आसपास ये मेरा एक्स्ट्रा स्पेस लिया हुआ है सी ड्राइव में। सिंपली आपको सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क क्लीनअप को देख सकते हैं। यहाँ पर आप टेम्पररी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप लेफ्ट साइड की कॉर्नर पे देख सकते हैं क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, उस पर आप क्लिक करके आपका जो विंडोज़ का जो ओल्ड है उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ही देर लोड होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर प्रीवियस विंडोज़, इसको आप सिलेक्ट करके ओके करके रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आप सक्सेसफुली अपनी windows.old फोल्डर को अपनी कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं। उसी सारे फाइल को ये आराम से रिमूव हो जाएगा और आपका सी ड्राइव जो है एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलेगा, जिससे आप दोबारा से कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपकी करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप इसे आराम से डिलीट कर सकते हैं और अपना जो सी ड्राइव का स्पेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यस करते ही हमारा जो डिलीट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और windows.old फोल्डर सिंपली हमारी सी ड्राइव से रिमूव हो जाएगा। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो लगभग ख़त्म होने को है। अभी हमारा जो सी ड्राइव का स्पेस है वो इंक्रीज हो चुका होगा। अब हम सी ड्राइव पे चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे विंडोज़ ओल्ड फोल्डर है कि नहीं, उसके बाद हम उसकी स्पेस कितना फ्री हुआ है उसको चेक करेंगे। अब मेरे आप सी ड्राइव पे देखिए जो विंडोज़ ओल्ड फोल्डर था वो रिमूव हो चुका है और मेरा जो मेमोरी था सी ड्राइव का वो इंक्रीज हो चुका है। इस प्रोसेस से आप विंडोज़ ओल्ड फोल्डर को अपनी सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।